गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिब्रल कोलम वर्टिब्रल कोलम है जो उसी को हम क्या बोलते हैं बैकबोन और वी कैन से स्पाइन ठीक है तो जो हमारी स्पाइन है मीन्स जो हमारी बैकबोन है उसमें टोटल ट्वेंटी सिक्स बोन्स प्रेजेंट है सो so आज हम उन ट्वेंटी सिक्स बोन्स के नाम पढ़ेंगे और क्या कैसे उनका अरेंजमेंट है ये सब डिस्कस करेंगे ओके okay? सो so, जो वर्टिब्रल कोलम है वो क्या है देखो स्कल आर्टिकुलेट्स विद वर्टिब्रल कोलम जो हमारी स्कल है वो ज्वाइन होती है वर्टिब्रल कोलम के साथ मीन्स जो बैकबोन है उसी के साथ ज्वाइन होती है कैसे विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ऑक्सीपिटल बोन क्या थी हमने क्रेनियल बोन्स को डिस्कस किया था जो कि एट थी नंबर में उनमें से जो लास्ट वाली जो बोन थी ना जो हमारी फ्लोर की फॉर्मेशन कर रही थी ब्रेन बॉक्स के उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन और जो ऑक्सीपिटल बोन है वहाँ पे दो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थी जिनको हमने क्या बोला था ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स सो दिस इज आर ऑक्सीपिटल बोन जिसमें आप ये दो प्रोजेक्शंस देख सकते हैं ये दो प्रोजेक्शंस क्या है दीज आर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स और ये जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं ऑक्सीपिटल बोन की ये हमारी वर्टिपल कॉलम की फर्स्ट बोन है जो उसके साथ जॉइन हो जाती है उसमें फिक्स हो जाती है सो so, हमारी जो स्पाइन है मीन्स जो बैक बोन है वो स्कल के साथ क्या है जॉइंट है किसकी हेल्प से इन दोनों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की हेल्प से वो उसमें फिट हो गई है ठीक है सो so, अब जो ऐसी स्कल है जिसमें दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है मतलब कि दो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है दिस टाइप ऑफ स्कल इज नोन्ज डाई कॉन्डाइलिक्स स्कल ठीक है डाई मीन्स टू कॉन्डाइलिक मतलब कॉन्डाइल्स मीन्स प्रोजेक्शन तो जो ह्यूमन बींग्स की स्कल है वो कैसी स्कल है इट इज डाई कॉन्डाइलिक स्कल ओके सो आर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाई टोटल ट्वेंटी सिक्स सीरली अरेन्ज यूनिट जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री देखो जो बैकबोन है हमारी जो स्पाइन है उसकी बोन्स के लिए एक टर्म गिवन है क्या बोला जाता है वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स को वर्टिब्री ठीक है छोटी छोटी बोन्स हैं जो कि सीरियली अरेंज है मीन्स एक के बाद एक अरेंज है और एक सीरीज बना रखी है एक कोलम बना रखा है ठीक है इसीलिए क्या बोल दिया गया इसको वर्टिब्रल कोलम बोल दिया गया जो बहुत सारी बोन्स आपस में अरेंज हो गई ज्वाइन हो गई तो अब ये जो सीरीज बनी इसको क्या बोल रहे हैं हम वर्टिब्रल कोलम बोले एक चैनल क्रिएट हो गया है ठीक है ये वर्टिब्रल कोलम है वर्टिब्रल कोलम है जो वो डोर्सली साइड पे प्लेस है हमारी जो बॉडी की डोर्सल साइड है ना जो बैक वाली साइड है हमारी बॉडी की उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड और जो फ्रंट वाली साइड है उसको बोलते हैं वेंट्रल साइड सो बैकबोन इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड एक्सटेंड फ्रॉम बेस ऑफ स्कल कहाँ से अराइज हुई है स्कल के बेस से अराइज हुई है और जो हमारा ट्रंक है ना ट्रंक क्या होता है स्कल के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं और इस वर्टेबल कॉलम ने क्या किया है जो हमारा ट्रंक है उसका मेन फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूट किया है हमारे ट्रंक पार्ट को स्ट्रेट रख रही है जैसे स्कल था जो वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गई वहाँ से उसके बाद लोअर जो पार्ट था अगर सिर्फ मसल्स होती तो वो स्ट्रेट नहीं हो सकती थी तो स्केलेटल सिस्टम का मेन फंक्शन ही क्या होता है हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखना सो वर्टिबल कोलम है जो उसकी हेल्प से हमारी बॉडी स्ट्रेट रह पा रही है उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क मिल पा रहा है ओके सो हेयर यू कैन सी दीज स्मॉल बोन्स आर ज्वाइंट ठीक है छोटी छोटी बोन्स हैं वो ज्वाइन हो गई है और एक सीरीज क्रिएट कर दी एक लॉन्ग सा कोलम बना दिया गया है ये हमारी वर्टिप्रल कोलम है जो कि हमारी डोरसल साइड पे लोकेटेड है कौन सी साइड पे लोकेटेड है डोर्सल साइड पे जो बैक वाली साइड है हमारी बॉडी की इट इज कॉल्ड डोर्सल साइड और इसकी वजह से हमारा जो पोस्चर है ट्रंक क्या पोर्शन है स्कल के नीचे वाला ये जो सारा पोर्शन है इट इज आर ट्रंक पोर्शन और जो ट्रंक है वो स्ट्रेट रह पा रहा है वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में रह पा रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिबल कोलम ओके अब जैसे जो हमारी स्कल थी उस कल में जो क्रेनियल बोन्स थी जिन्होंने ब्रेन बॉक्स क्रिएट किया था उन ब्रेन बॉक्स उस ब्रेन बॉक्स का फंक्शन क्या था इसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दी थी ब्रेन का जो लास्ट वाला पार्ट था ठीक है ब्रेन का लास्ट पोर्शन जिसको हम क्या बोलते हैं मेडुला वो मेडुला था जो वो ऑक्सीपिटल बोन की एक ओपनिंग थी फोरामेन मैग्नम वहां से बाहर निकला और किस में कन्वर्ट हो गया इट इज़ कन्वर्टेड इन टू स्पाइनल कोड हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वन इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कोड ठीक है तो ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन की प्रोटेक्शन का काम किसने किया क्रेनियल बोन्स ने अब जो हमारी वर्टिबल कोलम है वो किसकी प्रोटेक्शन का काम कर रही है स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन का काम कर रही है जैसे ही ब्रेन का लास्ट वाला पार्ट मेडुला पास ऑन हुआ फोरामैन मैगनम से उस ओपनिंग से बाहर निकला उसको हमने क्या बोल दिया स्पाइनल और उस स्पाइनल के बाहर बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कोलम ओके So मतलब कि हर एक जो बोन है वर्टिब्रल कोलम की हैज़ अ सेंट्रल होलो पोर्शन खाली न्यूरल कैनाल बोलेंगे उस खाली पोर्शन को जहां से हमारी स्पाइनल कोड पास होती है ओके okay? सो so ये एक वर्टिब्री है मतलब कि एक वर्टिब्रल कोलम की बोन है जिसमें आपको ये ओपनिंग दिखाई दे रही है वर्टिब्रल फोरामैन यहीं से हमारी क्या पास ऑन होगी जो स्पाइनल कोड है वो पास ऑन होगी ठीक है इसी को हम न्यूरल कैनाल भी बोल रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारी जो नर्व कैनाल है ना मतलब कि जो स्पाइनल कोड है वो पास ऑन हो रही है ठीक है सो ये स्ट्रक्चर है एक वर्टिब्री की मतलब कि एक बोन ऑफ वर्टिब्रल कोलम की ओके okay? सो so, इस डायग्राम से समझेंगे हम देखो ये हमारा ब्रेन लोकेटेड होगा यहाँ कहीं ठीक है ब्रेन फिर लास्ट वाली बोन से बाहर निकला मतलब ब्रेन का पार्ट कौन सा मेडुला पार्ट क्योंकि वो लास्ट पार्ट होता है जैसे ही ब्रेन इस लास्ट वाली बोन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से बाहर निकला तो अब वो एक लॉन्ग कैनाल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया जिसको बोला गया आ, स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड है जो वो किसकी हेल्प से प्रोटेक्टेड है इट इज़ प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वर्टिब्रल कोलम सो ये जितनी भी बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं इन सब बोन्स में क्या है वो होलो कैविटी है और उस कैविटी की हेल्प से ये जो हमारी स्पाइनल कोड थी उसमें से पास ऑन हो रही है ठीक है जैसे हमने मान लीजिए ये एक क्या बना लिया मतलब ये पूरी वर्टिब्रल कोलम बन गई और इसमें से ये छोटी छोटी बोन्स होंगे जिनके पास क्या है स्पेस है होलो कैविटी है और इस होलो कैविटी से हमारी क्या पास ऑन हो रही है जो स्पाइनल कोड है वो पास ऑन होगी ओके वर्टिब्रल कोलम है जो उसमें टोटल ट्वेंटी सिक्स बोन्स प्रेजेंट है अगर हम अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो सो so जो फर्स्ट वर्टिब्री है वर्टिब्रल कोलम की मतलब फर्स्ट बैकबोन है उसका नाम क्या है एटलस है एटलस क्या है फर्स्ट वर्टिब्री है मतलब कि हमारी बैकबोन की फर्स्ट बोन है जो कि किसके साथ अटैच्ड है स्कल के साथ अटैच्ड है एटलस है. है जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की हेल्प से फिट हो गई है उसमें वर्टिब्रल कॉलम इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू डिफरेंट पार्ट हमारी वर्टिबल कॉलम है जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं फर्स्ट जो पार्ट होगा सर्वाइकल पार्ट है जिसमें टोटल सेवन बोन्स प्रेजेंट है नेक्स्ट पार्ट होगा थोरेसिक पार्ट जो हमारी चेस्ट कैविटी वाला पार्ट है जिसमें टोटल ट्वेल्व बोन्स प्रेजेंट सर्वाइकल रहेगा हमारा नेक पोर्शन ठीक है तो नेक रीजन में जो पीछे वाली साइड देखें तो टोटल सेवन बोन्स प्रेजेंट होती है थोरेसिक जो कि हमारी चेस्ट कैविटी होती है तो चेस्ट वाले पोर्शन में बैक साइड पे देखें तो टोटल ट्वेल्व बोन्स प्रेजेंट होगी फिर चेस्ट कैविटी के नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे फाइव बोन्स प्रेजेंट है और उन उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं लंबर बोन्स नेक्स्ट जो पार्ट होगा वर्टिब्रल कोलम का वो है सेक्रल एक सिंगल बोन रहेगी जो कि फ्यूज है ठीक है बचपन में जब हम छोटे थे ना एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में है या फिर हम फीटस हैं देन हम चाइल्ड हैं तो उस टाइम पे हमारे पास पांच बोन्स थी सैक्रल की बट जैसे ही कोई ह्यूमन बींग एडल्ट बनेगा एडोल्स स्टेज में आएगा मतलब 18 प्लस होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा जो पाँच सैक्रल थी वो फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना लेती है तो अब अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो सैक्रल सिर्फ सिंगल एक बोन होगी जो कि पांच बोन से मिलके बनी है क्योंकि पांच बोन्स जुड़ जाती हैं आपने सुना होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास अराउंड टू सेवेंटी बोन्स प्रेजेंट होती हैं बट जो अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास टोटल टू ज़ीरो सिक्स बोन्स प्रेजेंट है ऐसा क्यों है क्योंकि छोटे बच्चों में बोन्स एक एक डिवाइड है और जैसे ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे ये छोटी बोन्स ज्वाइन होकर एक सिंगल बोन्स बना लेती एक सिंगल बोन बना लेती है सो तो ऐसा ही सैक्रल के साथ हुआ जो चाइल्डहुड में कितनी थी फाइव थी बट एडल्ट में कितनी मिलेगी ये एक सिंगल बनेगी क्योंकि पांच छोटी बोन्स ज्वाइन हो जाती है फिर हम बात करेंगे लास्ट पार्ट है जो कॉक्सीजियल जिसमें एक बोन है जो कि फ्यूज है ये चार बोन से मिल बनती है चार बोन फ्यूज हुई जुड़ी और क्या बन गया एक सिंगल बोन बन गई ठीक है तो ये पार्ट है हमारी वर्टिब्रल कोलम के सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल एंड कॉक्सीजियर तो टोटल फाइव पार्ट्स है हमारी वर्टिब्रल कोलम के जिसमें टोटल ट्वेंटी सिक्स बोन प्रेजेंट है अगर हम अडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो अब एक फॉर्मूला गिवन है वर्टिब्रल फॉर्मूला बोलते हैं जिसको अडल्ट ह्यूमन का चेक करें तो C7 C7 का मतलब क्या है सर्वाइकल सेवन बोन्स रहेंगी थोरेसिक रहेंगी ट्वेल्व लंबर रहेंगी फाइव ऐस से क्या है सेक्रल तो सेक्रल है सिंगल कॉक्सीजल है वन ठीक है तो ये टोटल ट्वेंटी सिक्स बोन है बट इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन एम्ब्रियो देन क्या होगा सर्वाइकल का नंबर सेवन है नेक पोर्शन में सात बोन्स प्रेजेंट है फिर थोरेसिक जो पार्ट है वहाँ पे ट्वेल्व बोन्स हैं लंबर जो पार्ट है वहाँ फाइव बोन्स हैं बट जो छोटे बच्चे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं या फिर फीटर स्टेज देन चाइल्ड है तो उस टाइम पे सैक्रल जो बोन्स है ये जो सैक्रल कितनी होंगी फाइव होंगी कॉक्सीजल बोन्स कितनी होंगी फोर होंगी तो यहां हम चेकआउट करें तो टोटल थर्टी थ्री बोन्स प्रेजेंट है ठीक है बट एडल्ट में कितनी है ट्वेंटी सिक्स बोन्स प्रेजेंट होंगी ओके सो ये जो हमारी वर्टिबल कॉलम है इसका देखो ये नेक वाला पोर्शन है ये क्या हमारी सर्वाइकल बोन्स फिर ये हमारी चेस्ट कैविटी होती है इतनी यहाँ पे डायफ्राम आ जाएगा तो यहाँ पे टोटल थोरेसिक में ट्वेल्व बोन्स प्रेजेंट है फिर ये नीचे वाला बिलो पार्ट है जो थोरेसिक कैविटी के वहाँ पे फाइव बोन्स है लंबर नाम रहेगा उन बोन्स का फिर उसके बाद ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ सेक्रल बोन्स से है मतलब सैक्रम है जो कि पांच फ्यूज्ड बोन्स के फ्यूजन से बनती है एक ये सिंगल लीफ शेप की बोन है देखो लीफ जैसी सी दिख रही है ना तो ये बोन रहेगी फिर ये छोटी सी एक और स्ट्रक्चर दिख रही है आपको ये क्या होती है कॉक्सीजियल बोन जो कि फोर फ्यूज बोन्स के फ्यूजन से बनती है जिसको हम कॉक्सिक्स बोल सकते हैं जब फ्यूज हो जाएगी तो सैक्रल बोन्स जब फ्यूज होती है तो उसको सेक्रम बोला जाता है कॉक्सीजियल बोन्स है जो जब वो फ्यूज होती है तो एक जो सिंगल बोन बनती है उसको क्या बोलेंगे हम कॉक्सिक्स ओके